आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। साजो सामान से जवानों का आत्मविश्वास, नई ऊंचाई पर सैनिकों की भावनाओं का करे आदर, पीएम मोदी ने दिया बयान। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की आज तीसरी वर्षगांठ, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि। विदेश सचिव बोले, यूक्रेन में जारी संकट से निपटने के लिए उठाए गए नए कदम, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। उसके हत्थे चढ़े हिजबुल मुजाहिदीन के 4 ओवरग्राउंड वर्कर, किश्तवाड़ में हुई गिरफ्तारी। यूक्रेन संकट पर केंद्रीय कमेटी का मंथन, पीएम नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात, हिंसा रोकने का अनुरोध। सरकार का बड़ा फैसला, 957 T20 टैंकों का होगा अपग्रेडेशन, रक्षा मंत्रालय ने 1075 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किया दस्तखत। भारत के रुख से रूस खुश और यूक्रेन हुआ नाराज, कहा हालात को संभालने में मदद करे पीएम मोदी। यूक्रेन ने बंद किया कीव हवाई अड्डे का संचालन, भारतीय नागरिक को निकालने की तैयारी शुरू। यूक्रेन की सीमा पर फंसे भारतीयों के लिए हंगरी पोलैंड से पहुंची मदद, सरकार ने जारी किए नंबर। बिहार सरकार ने किया डॉक्टरों का तबादला, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू होगा खत्म, हटाए जा सकते हैं अन्य कोरोना प्रतिबंध, डीडीएम बैठक में होगा फैसला। चंडीगढ़ बिजली कर्मियों की हड़ताल पर एक्शन, बर्खास्त होंगे पावर सप्लाई बाधित करने वाले कर्मचारी। हरियाणा में अब होगी सरकारी नौकरियों की बारिश, मनोहर लाल सरकार करेगी ताबड़तोड़ 50,000 भर्तियां। चुनावी राज्यों में बड़ी संख्या में बीएसएफ की कंपनियों के जाने से भारत बांग्लादेश सीमा पर चढ़ी तस्करी। तीन तलाक पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा मुसलमान के लिए शादी एक कॉन्ट्रैक्ट। पांचवें चरण के मतदान के लिए आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार, 27 फरवरी को होगी वोटिंग। लखनऊ में हनुमान सेतु के पास बनेंगे पीएम आवास के फ्लैट, एलडीए ने चिन्हित की जमीन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, विश्वविद्यालय अपने संसाधनों का लाभ किसानों और जनता को भी दे।
लखीमपुर की छात्रा ने बयां किया हालात, कहा सुबह से रात तक हो रही बमबारी। बांदा में विषैले कीड़े के काटने से किसान की मौत, परिजनों में बना मातम का माहौल। बुलंदशहर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने मोर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में घर में लगी भीषण आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, घर में मौजूद महिला का गांव के युवकों पर आरोप। गाजीपुर में रफ्तार का दिखा कहर, घटना में बाल बाल बचे लोग। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की भारत सरकार से अपील, गाजियाबाद के शिवम ने बचाने की अपील। महोबा में फसल बर्बाद, कर्ज से परेशान किसान, किसान ने ट्रेन से कट कर दी जान। प्रियंका वाड्रा का प्रयागराज में हुआ रोड शो, छतों से बरसाए गए फूल। महोबा में सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से होमगार्ड जवान की मौत, ड्यूटी के बाद जा रहा था घर। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे का भाजपा पर हमला, बोले इनकी नफरत की राजनीति से देश कमजोर। गोरखपुर में भाजपा की बागियों पर बड़ी कार्रवाई, चुनाव लड़ रहे 5 बागी पार्टी से निकाले गए। बाराबंकी में आग से झुलसे परिवार के 6 लोग, एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत। अमेरिका में मेरठ की महिला की मौत, परिवार ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। यूक्रेन में फंसे बलिया के मनीष और यासीर ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी और सीएम योगी से मांगी मदद। वाराणसी में एक बंदी की मौत पर जिला जेल में बवाल, सिपाहियों पर किया हमला। आजमगढ़ में स्कूटी पर सवार बहनों के हमले का वीडियो वायरल, एसपी सिटी ने दिए जांच के आदेश। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे पूर्वांचल के छात्र, दहशत में हॉस्टल में हुए कैद। वाराणसी में इस बार 100 मॉडल बूथ बनाने की तैयारी, सेल्फी पॉइंट की भी व्यवस्था। चंदौली में चरमराई कानून व्यवस्था, हत्या की वारदात से फैला सनसनी, मॉर्निंग वॉक पर निकले अधेड़ का मिला शव। सीतापुर में कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, सरकार ने सकरन के गुरवड़ी की तरफ जा रही थी कार। अलीगढ़ में मजबूरी को बेटियों ने दी मात, बेटियां बनी पिता का सहारा।
बांदा में खेत में मिला महिला का शव, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। बस्ती में जीआरपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कछुआ तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। देवरिया में चुनावी प्रचार में जुटे कई दिग्गज, कांग्रेस प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी ने किया प्रचार, सुरेंद्र चौरसिया ने जनता से मांगा आशीर्वाद। रामपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं सुरेंद्र चौरसिया। लखीमपुर खीरी में यूक्रेन में फंसी जनपद की छात्रा, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार। मऊ में सपा से पूर्व विधायक सुधाकर सिंह का टिकट कटा, टिकट कटने के बाद पहली बार जनता के सामने आए। सिद्धार्थनगर में सपा नेता की समर्थक का गंभीर आरोप, समर्थकों को जान से मारने की धमकी का आरोप। चारधाम में आने वाली निजी वाहनों का भी होगा पंजीकरण, इसके लिए तैयार किया गया है एक सॉफ्टवेयर। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, पार्टी जो भी आदेश देगी उसका करूंगा अनुपालन। गणेश गोदियाल सीईओ से मिले, उठाया डाक मतों के दुरुपयोग का मामला। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, बाल अधिकार संरक्षण को हो वातावरण निर्माण। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से उत्तराखंड के फार्मा उद्योगों को लगा बड़ा झटका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, उत्तराखंड के लोगों को लाने के लिए प्रयास तेज। रुद्रप्रयाग पुलिस की थ्योरी, यूकेटी उम्मीदवार ने ही रचा खुद पर हमले का प्लांट, सीबीआई जांच की उठाई मांग। आठ मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, बर्फीले रास्तों पर शुरू हुई चारधाम की तैयारी। उत्तराखंड के स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे, परिजनों की जान, संसद में स्टूडेंट को वापस लाने की तैयारी कर रहे सीएम धामी। गगास पंपिंग योजना का पाइप फटा, जलापूर्ति हुई ठप। भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का खुलना और बंद होने का समय बढ़ाने की उठाई गई मांग। पिथौरागढ़ जिले की चार स्वास्थ्य केंद्रों में अब निशुल्क होगी रक्त की 260 जांचें। उत्तराखंड की सियासत में तूल पकड़ने लगा है पोस्टल बैलेट मामला, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई शिकायत। तेज धमाकों से दहली यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन का दावा मार गिरा है रूस के दो और एयरक्राफ्ट।
चक्कर में ही गिरा रूस यूक्रेन पर हमले के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन, हिरासत में 1700 से ज्यादा लोग। डोरंडा रेखा विवाद में तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच छिड़ी लड़ाई, 3 नागरिकों की हुई मौत, 20 घायल। रूस पर बरसे नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, कहा हाई अलर्ट पर है हमारे सैकड़ों लड़ाकू विमान और युद्धपोत। यूक्रेन में भारतीय राजदूत ने कहा जब तक हमारे लोग देश नहीं पहुंचते तब तक दूतवास कार्य जारी रहेगा। यूक्रेन का दावा, 800 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए, 30 टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट भी किए गए तबाह। बाइडेन ने यूएस फोर्स भेजने से किया इनकार, बोले यूक्रेन खुद लड़े अपनी लड़ाई। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया संयुक्त राष्ट्र, दिए $20 मिलियन। बोरिस जॉनसन ने रूसी बैंकों को लंदन के फॉरेंसियल सिस्टम से किया बाहर, होगा बड़ा नुकसान। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ जीत से किया आगाज, सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। उपलब्धि के लिए आईपीएल से पहले होंगे सम्मानित, शीर्ष परिषद की बैठक में हुआ फैसला। जडेजा पुष्पा की खुमारी में डूबे श्रीलंका के खिलाफ लाइव मैच में बोले मैं नहीं झुकेगा। श्रेयस अय्यर ने किया खुलासा, लखनऊ में T20 मैच के बीच ईशान किशन को दी खास सलाह। रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही किया धमाका, रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम। ईशान किशन ने 30 गेंद ठोक 50 शतक से चूके बनाया खास रिकॉर्ड। रणजी ट्रॉफी में नवदीप सैनी का कमाल, विराट के शतक के बावजूद 251 ही बना सका झारखंड। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका को धोया, भारत ने लगातार 10वां T20 मैच जीता। ऋतुराज गायकवाड़ नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, पूर्व बैटिंग कोच का बड़ा बयान। अगस्त तक 4G से आजाद, 5G शुरू करने के लिए पीएमओ ने संभाली कमान। हुंडई दे रही जबरदस्त डिस्काउंट, i20 ऑरा समेत कई कारों पर मिल रही 50,000 की छूट।
एनएससी स्कैम में सीबीआई ने आनंद सुब्रमण्यम को किया गिरफ्तार, बीती रात चेन्नई से हुई गिरफ्तारी। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होंगे नए विमान, टाटा सन्स ने बड़े ऑर्डर की बनाई योजना। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली से रेल संगठन भी खुश, एनएफआईआर ने अशोक गहलोत को लिखी पत्र। शेयर बाजार में भारी तेजी, सेंसेक्स 15,000 पॉइंट्स बढ़ा, निवेशकों को 8 लाख करोड़ का फायदा। भारत सरकार ने ब्रिटेन की केनियर्स एनर्जी इस कंपनी को दिए 69 करोड़ रुपए। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली से पहले डीए में हुआ 3% का इजाफा, सरकार ने किया ऐलान। यूक्रेन क्राइसिस में एलन मस्क को तगड़ा झटका, $200 बिलियन से भी कम हुई संपत्ति। भारत की रेटिंग में सुधार, कहा साल 2022 के लिए इतनी रहेगी डीजीपी ग्रोथ। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे का पहला गाना मार खाएगा आउट, अक्षय ने फैंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। अरुणोदय सिंह स्टारर अपहरण 2 का ट्रीजर आउट, मेकर्स ने खुद उसका ट्रीजर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया शेयर। अजय देवगन ने काजोल को किया विश, सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर बोले, सरप्राइज हूँ काजोल अभी तक मेरे साथ है। वाडियाकर ने अपने ही सॉन्ग कच्चा बादाम पर किया शूट बूट में डांस। सोनू सूद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हुए चिंतित, ट्वीट कर कही बड़ी बात। अजीत के फिल्म वाली माई की स्क्रीनिंग पर थिएटर के बाहर फेंका पेट्रोल पंप, एक घायल। किरण खेर ने किया चोली के पीछे गाने पर डांस, मेहमान बनकर आए जैकी श्रॉफ भी हुए हैरान। रूस यूक्रेन की जंग के बीच वायरल हुआ बॉबी देओल का वीडियो, फैंस ने बताया जादूगर। कार्तिक आर्यन की मां ने कैंसर को दी मात, एक्टर ने बया किया दर्द, बोले बहुत मुश्किल समय था। मिस्टर मिसेस फरहान अख्तर के लिए दोस्त रितेश सिंधवानी ने रखी पार्टी, करीना दीपिका को छोड़ मलाइका ने लूटी महफिल। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।